भाई साहब गुजरात की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको झाड़ू से साफ करने का काम नहीं करेगा, उनको पोछा लगा के बराबर साफ कर देगा और फिनाइल से बराबर पोछा लगा देगा गुजराती वाले। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आभाष कुमार। हम अभी मौजूद हैं दिल्ली में। गुजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में इलेक्शन शुरू होने वाला है और आम आदमी पार्टी जो है बढ़ चढ़ में इस पर हिस्सा ले रही है। आइए, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई है, उनका कहना है कि अब वो गुजरात में भी अब सरकार बनाने जा रहे हैं। आइए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि वो किस तरीके से गुजरात इलेक्शन को देख रही है। सर, जैसे केजरीवाल जी का कहना है कि जैसे हम लोगों ने पंजाब में सरकार बनाई है, अब हम लोग गुजरात में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर? ये कौन सी केजरीवाल का आप बात बोल रहे हैं? एक केजरीवाल तो वो है, मैं कई केजरीवाल को जानता हूँ ऐसा। एक केजरीवाल वो है जो उनका गुरुदेव को ठगा है, एक केजरीवाल वो है जो दिल्ली की जनता को ठगा है, एक केजरीवाल वो है जो ऑटो के पीछे पोस्टर लगा हुआ है पर दिखते नहीं हैं दिल्ली में, एक केजरीवाल वो है जो हर टाइम पॉलिटिकल टूरिज्म करता है, एक केजरीवाल वो है जो दिल्ली की जनता को करप्शन में धकेल दिया, एक केजरीवाल वो है जो दारू फ्री में बांट रहे हैं, नशा फ्री में बांट रहे हैं, एक केजरीवाल वो है जो ये पाप को ले जाकर पंजाब में फैलाया है, एक केजरीवाल वो है जो जाके वहाँ गुजरात में रहता फैला रहे हैं। अब इतने सारे केजरीवाल में से किस केजरीवाल का बात है? केजरीवाल ने गुजरात में जाकर एक बयान दिया जो बहुत वायरल हो रहा है कि मेरा जन्म जन्माष्टमी को हुआ था, यहाँ पर हम आए कंस का वध करने, तो किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्या लगता है गुजरात की जनता जो है, गुजरात की जनता जो कंस है ना, ये खुद कंस बोल रहा है, वो खुद कंस का परिचय दे रहा है, उनका कर्म कंस का परिचय दे रहा है। देखिए, हम सनातनियों विश्वास करते हैं, मुझे नहीं लगता है केजरीवाल सनातनी धर्म में विश्वास रखता है, वरना वो जिस तरह की हरकत करते हैं, अली बाबा सरकार नहीं चलाता, यहाँ बैठ बैठ के अली बाबा सरकार चलाते हैं और एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए ये लुंगी वाला गैंग को भी सपोर्ट करते हैं भाई साहब, दंगा भी करवाते हैं, ये वो मिनिस्टर हैं जो दंगा करवाते हैं यहाँ पे। नहीं, उन्होंने कहा कि एक बयान उनका कुछ दिन पहले भी वायरल हुआ था कि अंबानी का जो घर है एंटीलिया, उसको वक्फ बोर्ड को वापस दे देना चाहिए। भाई साहब ये इतना अंबानी से चीड़ है ना, मतलब गुजरात में ये सब सीधी बोल दे, दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जगह नहीं है, बोल दे, इतना हिम्मत है? केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ ओपन चैनल आपका चैनल के माध्यम से, है हिम्मत केजरीवाल का तो कर दे, बोल दे, कल ही ऐलान कर दे, दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जगह नहीं है, केजरीवाल का रातों रात उसका पत्ता साफ हो जाएगा, यहाँ वहाँ पंजाब में जो रहता फैलाया है ना, अभी गुजरात में वहाँ पे रहता फैलाने गया है। भाई साहब गुजरात की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको झाड़ू से साफ करने का काम नहीं करेगा, उनको पोछा लगा के बराबर साफ कर देगा और फिनाइल से बराबर पोछा लगा देगा गुजराती वाले। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, चाहे अंबानी को बकवोट हो गया या फिर उनके नेता जो है नरेंद्र मोदी को नीच कह रहे हैं, उन्हीं के शहर में जाके जो मोदी जी का जन्मस्थल है वहाँ जाके, क्या लगता है कि गुजरात की जनता? तो दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेंशन में भी ले लिया है भाई साहब, उनको खबर रखिए, और आने वाला टाइम पे मुझे लगता नहीं है केजरीवाल भी बाहर जाएगा। ये तो पहले जो इनका जो मंत्री और इनका जो MLA है ना, इनका नेता को पहले भेज रहे हैं कि तिहाड़ जेल में देख के आओ भाई साहब क्या माहौल है, मैं क्योंकि आने वाला टाइम पे हो जाएगा, पहले एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि भाई साहब इनको पूछता है कैसा है वहाँ पे माहौल, खाना पीना सब बढ़िया है ना, दाल चावल बढ़िया दे रहे हैं ना अंदर, और कुछ खाने पीने का कमी है तो बताओ, आने वाला टाइम पे केजरीवाल जाएगा, इसीलिए वो उनका जो जूनियर है ना उनको भेज भेज के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो आने वाला टाइम पे वो भी तिहाड़ जाने वाले हैं।